हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम साइंस 2 का चैप्टर फर्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये पढ़ने जा रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 चैप्टर फर्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को हेरिडिटी का एंड इवोल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। हेरिडिटी मतलब क्या बेटा? हेरिडिटी 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोग पढ़े हो। इसकी डेफिनेशन क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं मम्मी पापा से उनके बच्चों तक। कैसे बेटा? जीन्स के जरिए। अंडरस्टैंड, इसका डिटेल आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हेरिडिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई। कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब अगर मम्मी पापा टॉल है तो बच्चे भी टॉल होंगे, मम्मी पापा डॉर्फ है तो बच्चे भी डॉर्फ होंगे। अंडरस्टैंड, इस प्रकार के जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो जीन्स के जरिए होता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी। आई बात समझ में? चलो, अगला जो टॉपिक है अपना इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या बेटा? इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल मतलब बेटा स्लोली होने वाली डेवलपमेंट, स्लो होने वाली डेवलपमेंट, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये शुरू करने से पहले आपके बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर। कौन सा कंपोनेंट न्यूक्लियस का हेरिडिटरी कैरेक्टर को कैरी करता है? तो वो है डीएनए। द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस दैट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इज डीएनए। कौन सा है वो? डीएनए। डू यू नो व्हाट इज डीएनए? डीएनए मींस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अंडरस्टैंड, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं आप लोग डीएनए आरएनए के बारे में। द प्रोसेस ऑफ, अगला जो क्वेश्चन है आपके बुक में पूछा गया, What do we call the process of transfer of physical and mental characters from parents to their progeny? Parents से उनके progeny तक जो character transfer करने वाली जो process है उसको क्या कहते हैं? तो वो process है heredity। Understand? Progeny means बेटा बच्चे, parents और उनकी progeny, parents से उनकी progeny तक, मतलब मम्मी पापा से उनके बच्चों तक characters को transport करने वाली process कौन सी है? Heredity। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि डीएनए के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो डीएनए के कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए बेटा। फर्स्ट है फॉस्फेट प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस 4 नाइट्रोजन के बेसिस। 4 में से कोई भी एक होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक, तो पूरा डीएनए में ये पूरे 4 नाइट्रोजन बेसिस आते हैं बेटा। अंडरस्टैंड, तो इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस कौन से है? एडीनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबो शुगर एंड फॉस्फेट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। डू यू अंडरस्टैंड इट? कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा? चलो अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक अपना क्या है बेटा? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी क्या है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। हेरिडिटी की डेफिनेशन आप लोगों को पता चल गई बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस। अंडरस्टैंड, तो हेरिडिटी की ये डेफिनेशन लिखनी है और उसका मैकेनिज्म अब हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस मतलब ये जो हेरिडिटरी चेंजेस है वो किस प्रकार से आते गए वो हमें देखना है। तो इसमें पहला जो है बेटा, जोहान ग्रेगर मेंडल इज द पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का पायोनियर है। पायोनियर मतलब बेटा फर्स्ट रिसर्चर, पहला संशोधक। कौन है फर्स्ट संशोधक? जोहान ग्रेगर मेंडल। मेंडल के बारे में आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 के पीरियड में इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। उसका ही रिसर्च उसको समझने के लिए बहुत लॉन्ग पीरियड लगा, और उसका कंक्लूजन क्या है, उसके रिसर्च का कंक्लूजन समझने में उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, ठीक है बेटा। इन 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो द फ्रीज। अब ये सेकेंड साइंटिस्ट आया। देखो यहाँ पे एक एक साइंटिस्ट ने किस प्रकार से वर्क किया है, किस प्रकार से मैकेनिज्म हुआ हेरिडिटरी चेंजेस का। तो सबसे पहले जोहान ग्रेगर मेंडल,
इसने इसका ये जो है ये पायोनियर है मॉडर्न जेनेटिक्स का, मतलब फर्स्ट रिसर्चर है मॉडर्न जेनेटिक्स का, और उसके रिसर्च का जो कंक्लूजन है उसको समझने में बहुत लॉन्ग टाइम लगा है। इन 1901 में क्या हुआ बेटा, 1901 द रीजन बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड, जो सडन चेंज हो जाते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है वो समझने के लिए म्यूटेशनल थ्योरी ने काम की। कि किसकी म्यूटेशनल थ्योरी, ह्यूगो द व्रीज बेटा, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आती है। द कॉज बिहाइंड द सडन चेंज वेयर अंडरस्टूड ड्यू टू द डैश थ्योरी ऑफ ह्यूगो द व्रीज, ह्यूगो द व्रीज जैसे ही आता है म्यूटेशनल थ्योरी याद रखना है। अंडरस्टैंड, समझ में आया बेटा। सेकेंड 1902 वॉल्टर एंड सुटोन, साइंटिस्ट के नेम है ये भी, पहले में कौन सा जोहान ग्रेगर मेंडेल, दूसरे में कौन सा है बेटा ह्यूगो द व्रीज, इसकी म्यूटेशनल थ्योरी। जोहान ग्रेगर मेंडेल पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वॉल्टर एंड सुटोन का क्या है, वॉल्टर एंड सुटोन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोजोम इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर, पहली बार पेयर क्रोमोजोम होते, क्रोमोजोम पेयर में होते हैं, ये किसने ऑब्जर्व किया बेटा, वॉल्टर एंड सुटोन ने ऑब्जर्व किया ग्रॉस ऑपर के सेल में, उसको दिखाई दिया। अंडरस्टैंड, क्या दिखाई दिया बेटा कि क्रोमोजोम जो है वो हमेशा पेयर में रहते हैं, पेयर क्रोमोजोम जोड़ी जोड़ी में आते हैं। लेटर उसके बाद ही क्या हुआ, रिसर्च स्टार्टेड इन डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद ही ये जो रिसर्च है वो रिसर्च स्टार्ट हुआ, कौन से डायरेक्शन में, नेचर फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का नेचर फाइंड करने के डायरेक्शन में रिसर्च, ये वॉल्टर और सुटोन के जो ऑब्जर्वेशन है उसी के बाद शुरू हुआ। व्हेन इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरीड वाया क्रोमोसोम, और उसके बाद ही प्रूव किया गया कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के जरिए कैरीड होते हैं। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में। चलो बेटा अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाँ तो बेटा अगला पॉइंट अपना पांचवे नंबर का पॉइंट क्या है, थ्रू विच 1944 ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट ओस्टवाल एवरी मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैकलीड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए। अंडरस्टैंड, देखो बेटा ये जो रिसर्च हुआ था वॉल्टर और सुटोन के जरिए जो रिसर्च हुआ, उसके बाद उसी में से ही 1944 में साइंटिस्ट के ट्रायो ने क्या प्रूव किया, साइंटिस्ट का ट्रायो मतलब बेटा थ्री साइंटिस्ट मिलके, इसलिए उसको ट्रायो बोला गया है। थ्री साइंटिस्ट कौन कौन से है, ओस्टवाल एवरी मैकलिन मैकार्टी एंड कॉलिन मैकलीड प्रूव्ड दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए, वायरसेस को छोड़ के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है, ये इन तीनों साइंटिस्ट ने, ये तीन साइंटिस्ट के ट्रायो ने प्रूव करके दिया। कब, 1944 में, आई बात समझ में। इन 1961 में फ्रैंकोइस जेकोब एंड जैक मोनॉड प्रपोज अ मॉडल फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अंडरस्टैंड, 1961 में फ्रैंकोइस जेकोब एंड जैक मोनॉड ये साइंटिस्ट है, इन दोनों ने क्या किया बेटा, मॉडल प्रपोज किया, किसका मॉडल, फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। इट हेल्प, इस मॉडल का हेल्प किसके लिए हुआ, इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन द डीएनए, डीएनए में छुपे हुए जो जेनेटिक कोड्स है उनको अनकवर करने के लिए, मतलब उनको समझने के लिए हेल्प हुआ। अंडरस्टैंड, आखिरी पॉइंट जो है अपना मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस का, ये आखिरी पॉइंट है। देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज विच हैज द वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा टेक्निक बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जिसमें दो अलग अलग प्रकार के डीएनए में कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, वो वाला टेक्निक, जो डीएनए का कोई एक जो अननेसेसरी जीन है उसको निकाल दो, फिर जो यूजफुल जीन है उसमें ऐड कर दो, वो वाला टेक्निक उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई विच हैज वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको बहुत ही ज्यादा वास्ट, म्हणजे वास्ट मतलब बेटा बहुत ही लार्ज स्कोप है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है बेटा, तो ये जो है आप लोग, वो जो क्वेश्चन है
व्हाट इज हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस, उसका ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आंसर बड़ा लग रहा है, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट है, तो आपने कम से कम 7 पॉइंट भी लिखे तो भी सफिशियंट रहेगा। तो 8 नंबर का पॉइंट नहीं भी लिखते हैं आप लोग तो चल जाएगा, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से आप लोगों को वो क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, हेरिडिटी की डेफिनेशन और ये 7 पॉइंट, ठीक है बेटा। अब अगला पॉइंट अपना कौन सा, यूजेस ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी के साइंस का यूज क्या है बेटा। फर्स्ट यूज फॉर डायग्नोसिस, मतलब कौन सा डिजीज है वो डायग्नोसिस करने के लिए ये हेरिडिटी के साइंस का यूज होता है। सेकेंड, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करना, उसको प्रिवेंट करना, उसके लिए हमें ये साइंस का इस्तेमाल करते आता है। अगला जो है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स की हाइब्रिड वराइटीज का प्रोडक्शन। जैसे कि आप लोगों को प्लांट्स में हाइब्रिड वराइटी पता है ना, हाइब्रिड मतलब वो अभी न्यू ज्वार वगैरह बाजरा वगैरह उसकी हाइब्रिड वराइटीज बनाई जाती है, अंडरस्टैंड। और एनिमल्स की भी हाइब्रिड वराइटी बनाई जाती है, जैसे कि जर्सी वगैरह होल्स्टीन, आप लोगों को पता है ना, उस प्रकार से इनका जो प्रोडक्शन देने का जो कैपेसिटी होता है वो ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यील्ड अवेलेबल होता है, अंडरस्टैंड। इस प्रकार से इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज, चौथा यूज क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल होता है, जहां पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे हेरिडिटरी साइंस का इस्तेमाल होता है। तो ये बेटा 4 यूजेस है साइंस ऑफ हेरिडिटी के। तो आप लोगों को ये जो हेरिडिटी की डेफिनेशन है, मैकेनिज्म है हेरिडिटरी चेंजेस का, ये अच्छे से कर लेना है, और यूजेस ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी ये भी 4 यूज इसके अच्छे से लर्न एंड राइट आप लोगों को करने ही है बेटा, अंडरस्टैंड। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। और हाँ, अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।